आजादी की बात कही तो वहीं से मैं आरंभ करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिले। एक जो माँ होती है, माँ अपने संतान से बहुत प्रेम करती है, कहीं टेटे पे उठाती है, कहीं पेटे पे उठाती है, बड़ा स्नेह करती है। लेकिन एक जो पिता होता है वो अपने संतान को कंधे पे बिठाता, और कंधे पे बिठाता ही नहीं है, वो अपने संतान से कहता है, हे बेटा, हे बेटी, मैं जितनी दूर हम नहीं देख सकते उससे कहीं अधिक दूर तुम देखो। ये समर्पण होता है पिता का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धरती पर वरदान हमेशा होते पूज्य पिताजी, अरे धरती पर वरदान हमेशा होते पूज्य पिताजी, पूरे घर की शान हमेशा होते पूज्य पिताजी, पूरे घर की शान हमेशा होते पूज्य पिताजी। और चाहे कोई प्रतिमा पूजे या मजार पे जाए, अरे चाहे कोई प्रतिमा पूजे या मजार पे जाए, पर सच में भगवान हमेशा होते पूज्य पिताजी, पर सच में भगवान हमेशा होते पूज्य पिताजी। प्रकट करता हूँ दोबारा, स्वागत भैया, कि धरती पर वरदान हमेशा होते पूज्य पिताजी, अरे धरती पर वरदान हमेशा होते पूज्य पिताजी, पूरे घर की शान हमेशा होते पूज्य पिताजी। और चाहे कोई प्रतिमा पूजे या मजार पे जाए, अरे चाहे कोई प्रतिमा पूजे या मजार पे जाए, पर सच में भगवान हमेशा होते पूज्य पिताजी, पर सच में भगवान हमेशा होते पूज्य पिताजी। भक्ति में जब राम की बात कही उन्होंने तो श्याम की भी बात हो जाए। स्वागत है। और राम के आगे बढ़कर के श्याम तो मतलब आपस में बिल्कुल भाई भाई हैं, हम लोग भाई हैं, तो वहीं से आरंभ करता हूँ। लेकिन जो भगवान कृष्ण है अद्वैत ज्ञान के प्रतीक, उन्होंने तमाम ऐसी संरचनाएं प्रस्तुत की है, उनका जो ज्ञान है वैराग्य ज्ञान है, गीता ज्ञान दिया है, उनका मैं आह्वान करना चाहता हूँ। कृष्ण का अद्वैत ज्ञान गढ़ता है स्वाभिमान, इस हेतु कृष्ण जी को मन में बसाइए, अरे कृष्ण का अद्वैत ज्ञान गढ़ता है स्वाभिमान, इस हेतु कृष्ण जी को मन में बसाइए। अभ्रष्टता व व्यभिचार महंगाई लूटमार, इन सारी व्याधियों से देश को बचाइए, अरे भ्रष्टता व व्यभिचार महंगाई लूटमार, इन सारी व्याधियों से देश को बचाइए। और देश व समाज हित बाधा बने कोई दुष्ट, बांसुरी को छोड़ फिर चक्र को उठाइए, बांसुरी को उठाइए। पढ़ने का अवसर मिलता है और वो अखिल भारतीय साहित्य परिषद सीतापुर जनपद के यशस्वी और प्रतापी अध्यक्ष भी हैं। इस क्षेत्र में जो भी कलम पकड़ता है कहीं न कहीं गुरु जी का सानिध्य रहता है, स्नेह रहता है, क्योंकि उन्होंने कविता का एक बीजा रोपण किया है इस धराधाम पर। और वो जो है पौधा ही नहीं बना बल्कि पुष्प बन करके पुष्पित और पल्लवित हुआ है। आदरणीय गुरु जी ने प्रताप जैसे खंडकाव्य को लिख करके जो गौरव गरिमा प्राप्त किया है, ऐसे गुरु जी हमारे कहते क्या है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। भाव भरो सद भाव भरो फिर नित्य चलो तन के दुनिया में, अरे भाव भरो सद भाव भरो फिर नित्य चलो तन के दुनिया में, अद्वैत नहीं अनुराग जब तुम मस्त रहो जम के दुनिया में, और आदर रोज करो सबका जिससे नर तादम के दुनिया में, अरे आदर रोज करो सबका जिससे नर तादम के दुनिया में, और काम करो इतना बढ़िया नित नाम रहे चम के दुनिया में, काम करो इतना बढ़िया नित नाम रहे चम के दुनिया में। और ये तो निवेदन करना चाहता हूँ
कि आन पड़े पत रंज मुसीबत सोच विचार उसे नित टाले। अरे आन पड़े पत रंज मुसीबत सोच विचार उसे नित टाले। और रोग रहे दुख दर्द बढ़े इस हेतु नहीं इस को प्रिय पाले। और मान करो मजदूर किसान नहीं मन से बनना तुम काले। और भारत देश महान बने इस हेतु करो कुछ काम निराले। भारत देश महान बने इस हेतु करो कुछ काम निराले। कोई कहता बनो डॉक्टर जनजन का इलाज करो और नर नारायण की सेवा कर अपने पर तुम नाच करो। और कोई कहता शिक्षक बनकर जग में दीप जलाओ तुम जहाँ कहीं भी अंधियारा हो उसको दूर भगाओ। और कोई कहता जज बनकर तुम पीड़ित के सरदार बनो। और कोई कहता नेता बनकर जनता की आवाज बनो। और कोई कहता अभिनेता बन खूब अदाएं दिखलाओ। और कोई कहता बनो खिलाड़ी खेल सभी को सिखलाओ। और कोई कहता अभियंता बन नौ प्रगति आधार बनो। कोई कहता रक्षा हित में अच्छे थानेदार। और कोई कहता पत्रकार बन पीड़ित का सत्कार करो। कोई कहता सैनिक बनकर भारत माँ से प्यार करो। और कोई कहता लेखक बनकर जग में अपना नाम करो। कोई कहता अफसर बनकर अफसर जैसा काम करो। पर मैं कहता सबसे पहले तुम अच्छे इंसान बन जाओ। पर मैं कहता सबसे पहले तुम अच्छे इंसान बनो और विश्व प्रतिष्ठा दिलवाने को न्यारा हिंदुस्तान बनो। विश्व प्रतिष्ठा दिलवाने को न्यारा। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि तुम चाहो तो जर्रा जर्रा पर्वत का थर रहेगा। अरे तुम चाहो तो जर्रा जर्रा पर्वत का थर्राएगा। और तुम चाहो तो अपना झंडा अंबर में लहराएगा। तुम चाहो तो अपना झंडा अंबर में लहराएगा। और तुम चाहो तो स्वाभिमान से ये फैक्ट्री तन जाएगी। और तुम चाहो तो ललकारों से तलवारें ठन जाएंगी। तुम चाहो तो ललकारों से तलवारें ठन जाएंगी। और तुम चाहो तो हरिदल के सपने गाड़े जा सकते हैं। और तुम चाहो तो सिंगों के जबड़े फाड़े जा सकते हैं। और तुम चाहो तो इतिहासों को स्वर्णिम से गढ़ सकते हो। और तुम चाहो तो आसमान के सीने पर चढ़ सकते हो। तुम चाहो तो आसमान के सीने पर चढ़ सकते हो। तो क्यों मन मारे बैठे हो। और तो क्यों मन मारे बैठे हो। आरी को ये सिखला दो तुम। तो क्यों मन मारे बैठे हो। आरी को ये सिखला दो तुम। भारत माँ की रक्षा हित में फिर जौहर दिखला दो। भारत माँ की रक्षा हित में फिर जौहर दिखला। हमारे कुछ बैठे हुए हैं गांव के लोग। गांव में एक बड़ी विडम्बना है। मैं वहां से थोड़ा प्रस्तुत करता हूँ। माहौल थोड़ा बदलता हूँ हल्का सा। वो पी जाते हैं तो वहां से मैं बात करता हूँ। कम से कम देखो कविता का लक्ष्य क्या था। हमारे गुरुजी ने क्या बताया है। कविता होता क्या है कि कवि बनना आसान नहीं है कलम जगाना पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते क्या है कि कवि बनना आसान नहीं है कलम जगाना पड़ता है। और भले निराशा कितनी आए आस बंधाना पड़ता है। और मात्र मनोरंजन करवाना कविता होता फर्ज नहीं। अरे मात्र मनोरंजन करवाना कवि का होता फर्ज नहीं। बड़े उपेक्षित जो जो मुद्दे उन्हें उठाना पड़ता है। तो हमको मुद्दे उठाने की बात है। तो यहीं से निवेदन करता हूँ। ये जो गांव में एक पौआ है और भैया पौआ जब गांव से चलते हैं और जब शहर में पहुंचते हैं तो हो जाते हैं पाटर। हाँ वहाँ पौआ का क्वार्टर सब कहा। अब वो क्वार्टर पहले तो पिए थे उनका मतलब उनका पिए लगे तो कहा है वहीं पर रखे थे। आप सबका आशीर्वाद चाहे कि दारू पीना मौज मनाना कभी नहीं अच्छा होता। अरे दारू पीना मौज मनाना कभी नहीं अच्छा होता। और कहे सोमरस चाहे कोई इसमें सोम नहीं होता। और सुरा नहीं है निर्मल पानी अवगुण सब दे जाती है। उम्मीदों में आग लगा के बर्बादी ले जाती है। और एक बुराई के संग दूजी घर में पांव पसारेगी। और मिली विरासत में जो इज्जत माटी में मिल जाएगी। और भरी जवानी में दुख देकर
चौथा पन ले आती है और धन सेलती कई पीढ़ियां रातों दिन पछताती है। इसीलिए तो करूं निवेदन, एक अभियान चलाना है और करना हो सकता सत्कार किसी का पौवा नहीं पिलाना है, करना हो सत्कार किसी का पौवा नहीं पिलाना है।